पंजाब नेशनल बैंक PNB फ्रॉड मामले में बैंक ने नीरव मोदी को एक खत लिखा है। बैंक ने आरोपी नीरव मोदी से किसी भी तरह का कोई सेटलमेंट करने से इनकार किया है व पूरा पैसा जल्द भरने के लिए कहा है। आपका ब्रांड हमारे पैसों से बना एक खबर के मुताबिक 26 फरवरी को नीरव मोदी ने बैंक को ईमेल के जरिए सेटलमेंट का ऑफर दिया था। इसके तहत 2000 करोड़ की ज्वेलरी, 200 करोड़ रुपए का करेंट अकाउंट डिपॉजिट और 50 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के जरिए सेटलमेंट करने का ऑफर दिया था। बैंक ने खत के जरिए से नीरव मोदी के ब्रांड को खराब करने के आरोप को भी खारिज किया है। खत में नीरव मोदी को लिखा गया है कि आपके गैरकानूनी और धोखाधड़ी वाले कामों की वजह से ब्रांड के साथ ऐसा हुआ है, यहां तक कि आपका ब्रांड भी हमारे पैसों से ही बना था। फ्रॉड के पैसों की पूरी जानकारी आपको थी PNB। बैंक के जनरल मैनेजर अश्विनी वत्स ने मोदी को लिखा कि आपके द्वारा किए गए फ्रॉड के पैसों की पूरी जानकारी आपको थी, लेकिन इसके बावजूद आपने कुछ रुपए ही वापस करने की बात की। उन्होंने आगे लिखा, हाल में आपने कुछ अमाउंट वापस करने का जो प्रपोजल बैंक को दिया था वे अस्पष्ट है और उससे लगता है कि आप देरी करके केवल अधिक समय लेना चाहते हैं। कर्मचारियों के सैलरी देने आपका दायित्व है। बैंक की तरफ से वत्स ने नीरव मोदी को आगे लिखा कि आपने अपनी अचल संपत्ति, फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंट अकाउंट आदि की भी जानकारी नहीं दी है। उन्होंने नीरव मोदी के लिए आगे लिखा कि आपके प्रस्ताव में वास्तविकता और विश्वसनीयता भी नहीं है। वहीं इससे पहले ईमेल के जरिए से नीरव मोदी ने बैंक से कहा था कि वे उनकी कंपनी के मैनेजमेंट को टेक ओवर करें, लेकिन बैंक ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। बैंक ने जवाब में कहा कि यह आपकी दिक्कत है, बैंक की नहीं। वैधानिक देय राशि का भुगतान और आपके कर्मचारियों का वेतन पूरी तरह से आपका दायित्व है।